नमस्कार, नमो नारायण, जय मां बगलामुखी। मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल केटी ज्ञान में। और आज का टॉपिक है कर्ज से मुक्ति। तो सीधे इस टॉपिक के समाधान के ऊपर चलते हैं। और आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पैसे यानी लक्ष्मी की चाहत रखते हैं, या जिनके ऊपर कर्जा चढ़ गया है वो भी कहीं ना कहीं हाथ पैर मार रहे होते हैं। तो आज का वीडियो बहुत लंबा नहीं, बहुत छोटा सा है तरीका, जिसके साथ आपका समाधान हो जाएगा और आपके कर्जों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला जो उपाय है वो देखिए, आपके घर में ही इसका हल मौजूद है। सबसे पहले तो आपके घर में अगर कहीं पर भी लोहे की कोई भारी वस्तु है या कबाड़ है, सबसे पहले उसको उठा के कहीं ना कहीं फेंक दीजिए, बेच दीजिए, ज्यादा अच्छा है। दूसरी चीज है, आप अपने घर के आसपास देखिए कहीं पर कोई होल तो नहीं है, कोई छेद तो नहीं है जहां से चूहे बाहर निकल के आ रहे हैं। तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। और अपने बाथरूम में, अपने टॉयलेट में जाके देख लीजिए गंदगी ना फैली हो, बस इन चीज को सही कर लीजिए। ये आपका एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि आप आपके किसी भी बड़े बुजुर्ग हैं या फिर आपके जो गुरु हैं, उनसे पूछिए कि कहीं आपके कुल देवता या फिर आपके पितर आपसे नाराज तो नहीं है, क्योंकि इनके माध्यम से ही आपके पास पैसा आता है। और कुल देवता से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पितर। अगर आपके पितर खुश हैं तो आपसे भगवान भी खुश हो जाते हैं। तो पितरों का मेरा पहला वीडियो है, वो मैंने बताया था उसका क्या तरीका है, उसको करिए। सो ये दो समाधान कर लीजिए, आपने आधी जंग जीत ली है। अब बढ़ते हैं आधी जंग जो बची हुई है उसके ऊपर, और आपको 100% इसका समाधान मिल जाएगा। तो क्या है समाधान, देखिए इसके दो तीन तरीका है। एक है, आपने सुना होगा भौम, यानी पृथ्वी के जो पुत्र हैं उनका दिन है मंगलवार। तो भौम प्रदोष व्रत, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदोष व्रत को आप चाहे तो सर्च भी मार सकते हैं गूगल में। प्रदोष व्रत होता है, हर महीने के पाया जाता है कृष्ण पक्ष के बाद। तो आप प्रदोष व्रत में भौम यानी मंगलवार के दिन उनका व्रत ले लीजिए और मंगल का स्त्रोत पढ़िए। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करिए 41 दिन तक पांच माला रोज करिए, और आपके धीरे धीरे कर्ज उतर जाएंगे। क्योंकि मंगल जो है वो कर्ज के देवता है, और मंगल की महादशा में जिसके ऊपर कर्ज चढ़ा होता है, अंतरदशा में कर्ज उतारने की उनके अंदर क्षमता है। तो मंगल इसके देवता है कर्जों के, भूमि के, जमीन के, जायदाद के। तो मंगल का स्त्रोत पढ़ें। दूसरा तरीका है कि कनक धारा स्त्रोत या फिर श्री सूक्त का पाठ आप शुक्रवार के दिन करें। और इसके बाद बचा हुआ जो टोटका है वो ये है कि आप शाम के समय किसी भी सूखा वीरान जहां पे कुआं होता है वहां पर जाके शनिवार के दिन, हर शनिवार को जाके आप वहां पे दिया जला के आ जाइए, तेल का, सरसों के तेल का दिया जला के आ जाइए, उस कुएं पे रख दीजिए। और याद रखे कि इस समय में इस कार्य को करते हुए आपको कोई देखे नहीं। और बचा हुआ आपको क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन या फिर शनिवार के ही दिन, एक दिन केवल, अच्छे वेला काल में, दिन हो सुबह हो शाम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पीपल के पेड़ पर सफेद कलर का झंडा बांध देना है। इस समय आपको कोई देखे नहीं तो वो पेड़ आप खुद चूज कर लीजिए जहां पे कोई आता जाता ना हो। तो इस तरीके का अगर आप उपाय करेंगे तो 100% आपको फायदा होगा। और लास्ट में जाते जाते एक प्लस पॉइंट भी आपको देके जाता हूं कि जो लोग हनुमान जी को मंगलवार के दिन चोला चढ़ाते हैं उनको कर्जे से 100% मुक्ति मिल जाती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूँ पसंद आया होगा और आगे भी ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूंगा। अभी के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आपकी साधना पे आप उन्नति करें, यही मेरी आशा है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमो नारायण, जय श्री महाकाल, राधे राधे, हरिओम।